आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। पहले जहां हरियाणा में सरसों का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, वहीं अब स्थिति में हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। सेक्टर 14 के पास बनी नई अनाज मंडी में सरसों का भाव कम रहा है। पिछले 2 से 3 दिन में से सरसों के भाव में काफी कमी आई है। यह देखकर किसान स्टॉक करने में जुट गए हैं। अधिकतर किसान अपने घरों में ही सरसों का भंडारण कर रहे हैं। इस वजह से बहुत कम सरसों मंडी में आ रही है। सोमवार को सरसों का भाव 6100 से लेकर 6350 रुपए क्विंटल रहा था। अनाज मंडी में सरसों की अधिकतर ढेरियां 6200 से 6250 रुपए क्विंटल के भाव पर रही। किसानों को लगता है कि भाव ऊंचा जाएगा। किसानों को 10,000 भाव आने की उम्मीदें हैं, इसलिए किसान अपने घरों में ही स्टॉक करने में लगे हैं। पहले आढ़ती किसानों को अधिक भाव का लालच देकर लुभा रहे थे, उन दिनों किसान आना भी शुरू हो गए थे। अब भाव कम आ गया है तो मंडी में सरसों की आवक भी कम हो गई है। अब आढ़तियों का ध्यान सरसों खरीदारी पर टिका है। कारण है कि सरसों का स्टॉक आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सरसों का स्टॉक किया जा सकता है। इस समय आढ़तियों की स्टॉक करने की समय की अवधि भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है, ताकि स्टॉक रखने में कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।